क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड वेरिएशन में जितना मुझे आगे चाहिए पार्टीशन, फ्रंट में हमें वेरिएशन के लिए जितना चाहिए उतना निकाला है। कल जैसे हमने पफ बनाया था वैसा ही नीचे आप बन बना दो, ठीक है। अगर उसमें लाइन करनी है नहीं करनी है ऑप्शनल है, आपको प्लेन बन भी रखना है तो आप प्लेन बन भी रख सकते हो। ये पार्ट हुआ, अभी फ्रंट में वेरिएशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कभी भी हम फ्रंट वेरिएशन करना है ना तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको शाइन स्प्रे कर दो। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको बाल प्रिपरेशन करना जरूरी है, इतने बालों को क्रिम्पिंग कर दो। क्रिम्पिंग करके फिर इस पे शाइन स्प्रे करना है। आज अलग अलग वेरिएशन दिखाऊंगी, फ्रंट में वेरिएशन लेके हम लोग बन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारे वेरिएशन आज रहेंगे। सबसे पहले शाइन स्प्रे, वापस से कोम करो। सेम ऑपोजिट साइड भी शाइन स्प्रे कर रही हूं। अभी हम हमारा वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। वेरिएशन में आज मैं सिर्फ फ्रंट से हम बन में क्या क्या फटाफट वेरिएशन हेयर स्टाइल कर सकते हैं वो वेरिएशन आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम मिडल पार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आज मिडल पार्ट में मांग टीका डालना है, आप मांग टीका प्रीफर कर सकते हो या फिर साइड में लेना है तो साइड में। इसका हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे के। इसको पीछे से स्टार्ट करना है पार्टिंग, फर्स्ट पार्ट। और आपका पार्टिंग कभी भी बहुत आगे आगे ना जाए तो आपको एक गाइडलाइन रख लेनी है। यू पिन लो और कौन से कहां तक आपको बाल रखने हैं उधर आप होल्ड कर दो, तो इसके आगे आपके बाल कहीं पे भी नहीं जाएंगे। नहीं तो कभी कभी रखते रखते बहुत आगे आगे ऊपर ऊपर हो जाता है, तो वो नहीं होना है। इसके लिए हम पहले से ही गाइडलाइन दोनों तरफ एक रख देंगे कि यही डायरेक्शन दोनों जगह पे, एक यहाँ पे जो यहाँ पे रखा है उतना ही पोजीशन यहाँ पे भी रखना है आपको, ताकि दोनों इक्वल लेवल पे रहे। यहाँ पे लेना है और पहला पार्ट यहाँ पे रख के यहाँ पे होल्ड करना है। यू पिन लगा के होल्ड किया है मैंने यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे लाइंस क्रिएट करेंगे। लाइंस क्रिएट करने का बताया था, आज वापस से दिखा रही हूं। सबसे पहला लेना है और यही लाइन को, अगर आपको नहीं जमता है ना सीधा सीधा करना तो स्ट्रेट पे यू पिन लेनी है, होल्डिंग के लिए रखते जाओ। बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइंस क्रिएट नहीं करना, हल्का हल्का सिर्फ दिखे उतना ही। और ये लाइंस कैसे आप करते हो तो आपको ये लाइन पूरा पीछे तक लेके जाना है। अभी हम क्या करेंगे, लाइंस क्रिएट होने के बाद इसको हार्ड स्प्रे कर देंगे। सिर्फ जहां पे हमने लाइन क्रिएट की है ना उसी पे इसकी सिर्फ स्प्रे करना है। पूरे इस पे करोगे तो बाकी ये लाइन करने की स्पेस पे भी पहले से ही स्प्रे लग जाएगा, तो अपना हाथ पूरा चिपक जाएगा और लाइंस भी क्लियरली नहीं आएगी। या तो आप एक एक को करो या तो सब साथ में करो और फिर एक एक को स्प्रे करो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग एक एक को करेंगे अभी, फिर सिर्फ उसको अपने हाथ से प्रेस करो। फर्स्ट लाइन
पीछे तक ली है पूरी वैसे ही। अंकिता हाँ बोलो। अंकिता परत दाखवते इसका? ना परत नाही दाखवत, न्यू व्हेरिएशन, फ्रंट व्हेरिएशन आणि पाठचं तेच आहे, पफ आणि बन, फक्त नए नए वेरिएशन, नए न्यू न्यू क्या क्या वेरिएशन हम कर सकते हैं वो सारे वेरिएशन दिखा रही हूँ मैं आज। ओके अभी ये एक लिया, दूसरा स्टार्ट करेंगे, यही लाइन को हमें छोड़ना नहीं है, यही लाइन को सिर्फ हल्का हल्का ऊपर लेंगे, देख रहे हो दोनों हाथ कैसे घूम रहे, वैसे ही घूमने चाहिए, एक पहले लो उसको ही गाइडलाइन में ऊपर ऊपर उठाते 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 नीचे तक, जहां तक आपका ये जा रहा है पट्टा, पूरा पट्टा, दो दो लाइंस क्रिएट करेंगे हम सब में, देखो ये सेकंड हुआ, अभी इस पे स्प्रे कर देंगे। मैम इस लाइन को सीधा ही रखना है, डाउन नहीं करना? नहीं मैंने कैसे रखा है, स्ट्रेट ही रखा है, डाउनवर्ड नहीं रखा, ये थर्ड पार्ट है ना मेरा, इसके आगे और दो पार्ट आने वाले हैं, और मैंने कैसे बहुत ज्यादा लाइन नहीं निकाल लिए, सिर्फ एक पिंच ही निकाला है, ये कितना बड़ा है, ये दिख रहा है आपको कितना बड़ा है, ये इतना जब बड़ा रहता है ना तभी आपको उसको मूवमेंट देने की जरूरत है, सिर्फ लाइन करती हो तभी उसको मूवमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सीधा खड़ा रहो। सीधा लगा सकते हैं। ये कैसे है? मैंने ना सिर्फ इसको ऐसे पकड़ा है और इतना ही लिया है, इसको मैंने स्प्रेड नहीं किया है ऊपर, अब जब ये ऊपर स्प्रेड करोगे तो उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ आप इतना निकालोगे ना, जब एक लाइन निकालते हो सिर्फ इतनी, तो उस लाइन को कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने जो ये बाल हमारे ऑलरेडी डायरेक्शन जा ही रहा है ना, देखो बालों का भी डायरेक्शन है राउंड शेप में, तो जैसे जैसे है वैसे वैसे मैंने सिर्फ पिन डालती गई हूँ, बस एक यहां से लिया, यहाँ पे इसको लॉक कर दो नीचे, अभी सेकेंड वन हम यहां से लेंगे, एक के बाद एक अल्टरनेट लेना है आपको, समझ में आया? वैसे ही जैसे ये मैं जैसे पार्टीशन ले रही हूँ ना एक एक, वही पार्टीशन में मैंने कल आपको ब्रेड सिखाया था, चोटी वाला स्टाइल सिखाया था वन साइड, वैसे ही आपको ये नहीं करना है तो एक 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 को चोटी बना के भी आप ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है? सेकंड पार्ट जो मैं बता रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, सेकंड ब्रेड वाला मैं कैसे बता रही थी आपको, या वो मैं करके दिखाऊं आप लोगों को तो आइडिया आएगा कि समझ में आया कैसे लेना है, जैसे ये पार्ट ले रही हूँ ना, एक यहाँ से लिया मैंने और एक यहाँ से लिया, इसमें मैं सिर्फ लाइन कर रही हूँ, इसमें आप ब्रेड का वेरिएशन भी दे सकते हो साथ में, अभी इसको यहाँ से लिया इसके नीचे, देखो ऐसे लेना है, फिर एक पार्ट वापस यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक वहां से, एक यहाँ से, ऐसे सिक्स पार्ट्स में डिवाइड होगा हमारा, यहाँ पे होल्ड करो, यहाँ पे भी सेम लाइंस, सबसे पहले एंड वाला पार्ट पे लाइन क्रिएट करना है, लाइन किधर तक लेके जा रही हूँ, पूरा एंड तक लाइन लेके जा रही हूँ मैं, ताकि जो भी मेरा वेरिएशन मैं करने वाली हूँ पूरा आगे से लेके पीछे तक सब कुछ दिखाई दे, सिर्फ फ्रंट में ही वेरिएशन नहीं है, वही वेरिएशन हम वन पे भी लेके जाएंगे,
अभी इसको लॉक करेंगे। वापस से जो हमने लाइन खड़ी की है बस उसको सिर्फ दबा देना है। जब ये वेरिएशन करते हो तभी आपका बन सिंपल बन भी रहता है ना, तो भी बहुत एलिगेंट लगता है। तो ये लाइंस हर बार करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट, अभी थर्ड पार्ट लेंगे और जो जो पार्ट जा रहा है वो एंड में उसको लॉक करते हुए जाएंगे। हम इसको एंड में बन के अंदर लॉक कर देना है। अभी यहाँ से वापस से दूसरा पार्ट लेंगे। आप, मैंने ये तीन में डिवाइड किया, आप दो में भी डिवाइड करके कर सकते हो। हमारे पास कैसे टाइम है उस अकॉर्डिंगली हम ये वेरिएशन दे सकते हैं। इक्वल तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। नया वेरिएशन, नया लाइन लिया, इसको वापस से ये जो एंड है इसको थोड़ा सा, ये जो सेकंड पार्ट मैंने वहां से लिया है इसके ऊपर से और इसके नीचे से जाना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे एंड हुआ इसका पार्ट। वापस से इस पे वेरिएशन। अभी ये एग्जैक्ट बाजू में है तो इसका गैपिंग जरूरी है, तो हम थोड़ा डिस्टेंस से इसको दूसरा लेंगे। तो इसके बाजू में से चिपक के वापस से नहीं लेना, नहीं तो सब मर्ज हो जाएगा एक दूसरे में, अलग अलग लाइन दिखनी है हमें। एक बार रफली निकाल लो, फिर सेकेंड टाइम उसको अच्छे से प्रेस करो स्प्रे करके। वापस इसको लॉक कर दो। यहाँ पे अभी खत्म हो गया। इनविजिबल यू पिन लो। वापिस से यहाँ से पार्टीशन लेना है आपको। अगर आपका पार्टीशन ठीक नहीं हो रहा है तो वापस से अगर एक एक पार्ट लेके शाइन स्प्रे करना है तो भी आप कर सकते हो। अभी ये पार्ट लिया, ये पार्ट दबना नहीं चाहिए, इसके एग्जैक्ट नीचे से जाना चाहिए। और ये थर्ड हमारा, वहां से थर्ड पार्ट आया उसके नीचे से पार्ट स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। आप ऐसे भी ले सकते हो या एक दूसरे को क्रॉस में करना है ऐसे, तो ऐसे भी ले सकते हो। और मैंने पूरा एक 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 करके लिया है, तो आप ये भी स्टाइल कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। यहाँ में क्रॉस में करना है तो मैं भी वो भी दिखा देती हूँ, आप लोग क्रॉस कैसे कर सकते हो एक एक पार्ट को।
अगर हमें क्रॉस में लेना है तो हम इसको, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको यहाँ पे लॉक करेंगे। जो मैंने एकदम सीधा लिया था उसके जगह पे मैंने नीचे की तरफ लिया है और नीचे करूंगी वापस। यहाँ से फर्स्ट पार्ट आएगा वो मैं इसको ऐसे लेके यहाँ पे ऐसे करना है इसके नीचे, तो लॉकिंग किधर हुआ, सब नीचे जाएगा। फिर यहाँ से थर्ड पार्ट लिया, एक दूसरे को क्रॉस वाला हुआ ये, अभी एक ही स्टाइल में हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ये। ये देखो ये क्रॉस में हुआ एक से, वो कैसे सीधा सीधा ऐसे ऐसे जा रहा था और ये मैंने सबको क्रॉस ले लिया, नीचे की तरफ लिया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है मैंने क्या किया दोनों में फर्क, सिर्फ वही स्टाइल को मैंने सिर्फ क्रॉस कर दिया एक दूसरे को टेढ़ा लेके नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मोशन लिया है। पहले निकाल रही हूँ और फिर हल्का हल्का सिर्फ, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं किया, ऊपर की तरफ पुल नहीं किया है मैंने। जस्ट होल्ड के लिए लगा रही हूँ ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करके रखे एंड तक। वापस से यहाँ से लेंगे, जब भी हम दूसरी बार स्प्रे से स्प्रे के बात करते तो ब्लो करते जाओ ताकि वो तुरंत के तुरंत ड्राई हो, नहीं तो हमारे हाथ में स्प्रे चिपकता जाएगा, तो वो नहीं करने के लिए तुरंत के तुरंत उसे ब्लो भी करो, फूंक मारते जाओ। ये देखो यहाँ पे भी वेरिएशन होगा, लास्ट पार्ट यहां से लेंगे, और
थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, पीछे पीछे जा रही हूँ। स्प्रे करो और प्रेस करते जाओ। पूरा बन पे हमारा पीछे का वेरिएशन आएगा। वेस्टर्न में कर रहे हो, ट्रेडिशनल में कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ लगा दो। देखो है ना, आगे से भी वेरिएशन, मिडल पार्ट और वही पार्टीशन हम पीछे तक लेके जा रहे हैं। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? स्टार्ट।